ये आप बता सकते हो किसकी फोटो है? आपने हमारे परिवार के सारे मेंबर देखे हैं तो आप गेस्ट भी कर सकते हैं फोटो किसकी है। कल शाम हो गई थी आते आते और हम अयान को दुआई देवलवा के लाए थे क्योंकि अयान की तबीयत बहुत ही खराब थी और रात को खांसी होती थी, दिन में तो वैसे ठीक रहता था। और हेलो गाइस तो इसकी दुआई दिलवा के लाए और साथ में ही माता रानी का पिलिया लेके आए थे और 5.25 किलो गुड़ लेके आए थे, लड्डू लेके आए थे और मंदिर में चढ़ा के आए थे और बाकी का प्रसाद घर पर लाए थे जो बांटना है अभी, तो कुछ तो मैंने वहीं पर बांट दिया था और कुछ अब मैं लेके जाएगी बांटने के लिए। नैन्सी आज किचन की सफाई कर रही है, मुझसे तो चढ़ा नहीं जाएगा इसलिए ऊपर ये देखिए ऊपर चढ़ी हुई है और ये सफाई कर रही है। आज छुट्टी भी है इसकी स्कूल से और मैंने इसलिए नहीं की पहले क्योंकि मुझसे तो चढ़ा नहीं जाएगा इतना ऊपर। और ये देखिए सारे बर्तन नीचे उतार दिए हैं, चढ़ गई ऊपर चढ़ाने जा। और इस पंखा के ऊपर भी मिट्टी बहुत ही चढ़ी हुई है, जाले भी लगे हुए हैं तो मैं इसको साफ कर दूं फटाफट से। और मैंने इनके पापा को बोला था साफ करने के लिए पंखा, तो उन्होंने तो मेरी आज हेल्प नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, कुछ कोई भी काम में हेल्प नहीं की। तो मैं थोड़ी सी पंखा नीचे उतार कर दे देते तो इतनी हेल्प बहुत थी, फिर मैं इनकी ये पंखुड़ी है ना अच्छे से धो देती, लेकिन अब ये हाथ भी नहीं जा रहा मेरा तो ऐसे ही मैं टेम्परेरी ही साफ करना पड़ेगा क्योंकि पूरी अच्छी तरह से साफ नहीं हो पा रहा मुझसे। ये देखिए थोड़ा आगे की साइड मेरा हाथ नहीं जा रहा, अगर ये नीचे उतार देते तो बिल्कुल आसान हो जाता मेरे लिए, मैं सफाई अच्छे से कर देती, लेकिन नहीं उन्हें तो आज भी फुर्सत नहीं है। थोड़ी बहुत हेल्प कर देता तो क्या बिगड़ जाता उसका, लेकिन नहीं करनी उसे कोई हेल्प मेरी। तो ये फोटो है, इसको मैं पहले सोच रही थी लगी है ये दीवार पे तो यहीं इसके ऊपर कपड़ा फेर दूँ, लेकिन ये भी अच्छे से नहीं साफ हो रही तो इसे नीचे ही उतारना पड़ेगा। और ये देखिए हमारी शादी हुई थी ना तब की फ़ोटो है ये, 1 महीने के बाद की। इन्हें फ़ोटो खिंचवाने का बहुत ही शौक है, पूरे घर में इन्हीं की फ़ोटो पाएगी सबसे ज़्यादा, मेरी तो बिल्कुल एक ही फ़ोटो है वो मैं आपको दिखाऊंगी, छोटी सी एक ही फ़ोटो है, लेकिन इसकी 2 है फ़ोटो, एक नैन्सी के साथ और एक ये। तो बड़ी वाली फ़ोटो तो मैंने साफ कर दी और ये छोटी साफ नैन्सी कर रही है ये छोटी फ़ोटो। ये देखिए अयान के पापा की और मेरी सासू माँ की फ़ोटो है ये, जवान थी तब मेरी सासू माँ ऐसे थी। और ये देखिए, और ये देखिए फोटो है, ये मेरी फोटो है जब जानवी छोटी थी ना गोद में थी जानवी, ये देखिए मैं गोद में ले बैठी हूँ और ये मेरे भाई है छोटे वाले, और ये देखिए जानवी ऐसी थी और वो मेरी सिस्टर है चाचा जी की लड़की। और सारी फोटो साफ कर देगी नैन्सी, छोटी छोटी फोटो है जो, और बड़ी वाली वो फोटो तो मैंने ही साफ करनी पड़ेगी। ये देखिए मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, आप पहचान भी नहीं सकोगे कि वो किसकी फोटो है। ये देखिए, ये आप बता सकते हो किसकी फोटो है? आपने हमारे परिवार के सारे मेंबर देखे है तो आप गेस्ट भी कर सकते हो फोटो किसकी है। ये फोटो है नैन्सी की, देखिए छोटी थी तब कैसी हुआ करती थी गोलू मोलू सी, और अब ये देखिए कैसी हो गई है। ये देखिए घड़ी साफ कर रही है नैन्सी और जानवी भी बोल रही है मैं भी साफ करूंगी। इसको तो मैंने भेजा दुकान पे, इसकी सेल खत्म हो चुका है तो सेल लाने के लिए गई है। और ये देखिए हमारा गंजा गजनी, ये भी बोल रहा है मैं साफ करूंगा, करोगे साफ अयान, साफ करोगे वॉच, साफ करोगे, ये है ना इसके बारीक बारीक है तो इसलिए ये बूट से ही साफ होंगे, बूट्स में साथ के साथ।
ये ऊपर चढ़ रहा है इसकी वॉच की। नहीं, ये घड़ी साफ तो कर दी है लेकिन ऊपर रखने में दिक्कत आ रही है, मेरा हाथ ही नहीं जा रहा। उतार तो ली कैसे कैसे करके, लेकिन मुझसे थोड़ी ऊपर और होनी थी, लेकिन जैसे थोड़ी सी वैसे ही अटका दी मैंने। इसके पापा आके आप कर लेंगे फिर।